हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड होता है, जिसको हमारे क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए और फौजदारी के मुकदमे, जिसे कहते हैं फौजदारी के मुकदमों के लिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रोसीजर क्या है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक शॉर्टकट मैप बनाया है, जिससे हम सीआरपीसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम बिगिनिंग्स पीरियड्स में होते हैं, नए एडवोकेट्स, नए लॉयर्स, और जब नई नई प्रैक्टिस होती है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगला स्टेप कौन सा लेंगे। जब कोई मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, इनिशियल स्टेज में क्या क्या करने पड़ते हैं, किस तरीके से कोर्ट में अगली प्रोसीडिंग क्या होती है, किन धाराओं में होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम नए नए इनरोल्ड होके आते हैं, और नए इनरोलमेंट के बाद हम कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए पहली दफ़ा जब इंटर करते हैं, तो उस वक्त थोड़ी हिचक होती है, कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है, कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। नॉलेज और एक्सपीरियंस तो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज से ही होती है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, नॉलेज जो है और बाकी की इन्फॉर्मेशन तो हमें बुक से ही प्राप्त होंगी, बुक से ही पता चलेंगी। तो सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू। सीआरपीसी में जब कोई शिकायत, सबसे पहला होता है शिकायत। ये काम जो शुरू होती है, शिकायत से शुरू होती है, कंप्लेंट से। कोई शिकायत जब आती है, तो उसके तीन फॉर्म होते हैं। सबसे पहले बंदा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी पर्सन हैज़ वास टू गो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सबसे पहले नए पुलिस स्टेशन में, अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में ही जाता है वो, कि मेरे साथ ये हुआ या जो भी है, वो अपने एक तहरीर के आधार पर एक रिटर्न लेंट, एक रिटर्न एप्लीकेशंस होती है उसकी, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखा होता है, वो लेकर पहुँचता है कहाँ, अपने निकटतम थाने में। वहाँ पुलिस उस तहरीर के आधार पर ये देखती है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है। जो इनिशियल इंक्वायरी होती है, उसको प्रिलिमिनरी कहते हैं। वो आजकल पुलिस करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करती है, यानी प्रारंभिक जांच। कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले, इवन सम केसेस जैसे 498 और फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस हैं, उसमें तुरंत मुकदमा लिखने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, और कहा कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर ये देखें कि सचमुच में ऐसा कुछ हुआ भी है। यानी यू हैव टू प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें। उसके बाद का प्रोसीजर जो होता है, वो क्या होता है, पुलिस एक मुकदमा पंजीकृत करती है धारा 154 के तहत, जिसको एफआईआर कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद क्या होती, उसके बाद होती है जांच, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। अब अगर पुलिस आपकी शिकायत सुने ही नहीं, ये तो पहला स्टेज था, हम गए मुकदमे के लिए, तहरीर दिया, पुलिस ने मुकदमा लिख लिया। लेकिन अगर पुलिस आपकी बात ही ना माने और वो तहरीर लेके रख ले और कहे कि ठीक है, हम जांच करेंगे, मुकदमा लिखेंगे, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, और कई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वाले जवाब देकर आपको कह दे और टाल दे, या ना लिखे, मना कर दे, इन सो मेनी कंडीशंस, तब आपके पास ऑप्शंस ये होता है कि आप जो है एक तहरीर अपने एसएसपी के यहाँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर दें। उसके बाद अगर फिर भी थाना मुकदमा नहीं लिखती है, तब आपके पास उस शिकायत को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाने का ऑप्शन होता है, धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत। अब यहाँ मजिस्ट्रेट जो है, पुलिस से रिपोर्ट मंगाकर आपके बात को सुनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, या तो पुलिस डायरेक्ट मुकदमा लिखती है 154 में, या फिर 156(3) में न्यायालय आपकी बात को सुनकर, जांच पड़ताल करने के बाद, बहस सुनने के बाद ऑर्डर करती है एफआईआर के लिए, ठीक है।
अब इन दोनों कंडीशंस में ये होता है कि जब मुकदमा लिखा जाएगा तब बाद की प्रोसीजर क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होगा यानी इंक्वायरी होगी। सेकंड, अरेस्ट होगा। अरेस्ट अगर 7 साल से ऊपर का सजा है, यानी किसी मुकदमे में जो धाराएं लिखी गई हैं, जिन धाराओं में FIR दर्ज हुई है, अगर वो 7 साल की से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है उसमें, देन इनिशियल अरेस्ट होगा, तुरंत अरेस्ट किया जाएगा उसको। उसके बाद क्या करना है, अंडर सेक्शन 17 CRPC के तहत उसको अरेस्ट कर लेगी पुलिस, और पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर कोशिश ये करती है कि अपनी जांच पड़ताल कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, और अगर फिर भी नहीं हो पाती है तो पुलिस जाती है मजिस्ट्रेट के पास विद इन द 24 आवर्स एंड गिविंग द रिमांड एप्लीकेशन अंडर 167। अब जो है कोर्ट जो है या तो पुलिस रिमांड एक्सेप्ट करती है, पुलिस रिमांड में होता है क्या, या तो पुलिस कस्टडी में सौंप देती है रिमांड में, या तो पुलिस को कस्टडी दे दी, यानी पुलिस के पास ही रहता है 7 दिन 5 दिन 3 दिन ये प्रक्रिया होती, या फिर जुडिशियल कस्टडी। दोनों में फ़र्क ये होता है, पुलिस कस्टडी में पुलिस के पास रहता है, पूछताछ पुलिस करती है, जुडिशियल कस्टडी में रहती है तो वो सीधा जेल उसको भेज दिया जाता है, जिला कारागार चला जाता है वो। फिर वो 7 दिन 6 दिन तक 15 दिन तक जितने भी दिनों का रिमांड होता है उतने दिनों तक वो जेल में ही रहता है। उसके बाद जब क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अगर 15 दिन के भीतर उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पूरी हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, उसके बाद आरोपी के पास ये ऑप्शंस होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई करे, 437 या 439। 437 एंटीसिपेटरी बेल होता है, वो गिरफ्तारी से पहले होता है, 438 या 439 में ही जाएगा। अब दूसरा ऑप्शंस आता है कि जब अरेस्ट हो जाता है तो बेल के लिए जाता है, बेल मिलती है नहीं मिलती है, दिस इज़ द अलग प्रोविजन, ये अलग स्टेज। लेकिन बेल मिलने या ना मिलने के अलावा उसका बयान होता है जिसको कन्फेशंस कहते हैं, कन्फेशन में उससे पूछा जाता है, सवाल जवाब किए जाते हैं, उसको 164 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो है पुलिस ओवरऑल ऑल एक केस डायरी तैयार करती है जिसको चार्जशीट कहते हैं, वो संबंधित न्यायालय में कोर्ट में सबमिट कर देती है। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। इसका दूसरा फेज ये होता है कि उस केस डायरी में क्लोजर रिपोर्ट लगे या चार्जशीट लगे, अगर चार्जशीट लगेगी तो ट्रायल होगी, और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं हुआ है, इस तरीके की कोई घटना नहीं घटित हुई है, कोई अपराधकारित नहीं हुआ है, तब डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगी जाएगी और क्लोजर रिपोर्ट जिसको कहेंगे, और फाइनल रिपोर्ट लगा के कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। उसके अलावा एक ऑप्शन आते हैं प्ली बार्गेनिंग 265 CRPC। प्री बार्गेनिंग उसमें होता है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है, उसमें जो है दोनों पार्टीज बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बातचीत करती है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जजमेंट आता है, निर्णय हो जाती है, अगर फेलियर होता है तो दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, समरी केसेस और वारंट केसेस में। दो हिस्सों में बांटने के बाद जो वारंट केसेस हैं उसमें चार्ज जो है न्यायालय फ्रेम करेगी, यानी आरोप पत्र को तय करेगी, यानी जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है उन्हीं धाराओं में ट्रायल होगा और उस पर एविडेंस मंगाए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद एविडेंस होगा, प्रोसिक्यूशन पहले एविडेंस करेगी, उसके बाद बचाव पक्ष को मौका मिलेगा, उसके बाद जितने भी गवाह हैं उस केस संबंधित उनके बयान होंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा 313। जब ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा तब दोनों पक्षों के बीच जिरह होगी, आर्गुमेंट होगी ऑन दैट स्टेटमेंट। उसके बाद कोर्ट
निर्णय के लिए, जजमेंट के लिए डेट देगी और उसमें जजमेंट आएगा। ये सीधा सीधा एक पुलिस के द्वारा लिखा हुआ मुकदमा, जिसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी उसका ओवरऑल ब्यौरा है। लेकिन जब हम दूसरे सेक्शन में आए थे 156(3) में, अगर FIR के लिए ऑर्डर कर देती तो सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन FIR के ऑर्डर ना देकर अगर प्राइवेट कंप्लेंट में दर्ज करती है, यानी न्यायालय खुद उस अपराध की समीक्षा करनी चाहती है कि वेदर दिस क्राइम इज गोइंग ओवर नॉट, क्राइम इज डन हेयर और नॉट, तो उन कंडीशंस में वो प्राइवेट कंप्लेंट कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वादी यानी जिसने तहरीर दी है उसके बयानों की समीक्षा करेगा न्यायालय, यानी 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट खुद बयान को दर्ज करेगा अपने समीप। उसके बाद का प्रावधान ये है कि कोई एक गवाह की संतुष्टि या प्रस्तुति करेगा वादी पक्ष, जिसने वाद संयोजित किया है, जिसने वाद योजित किया है, जिसका प्रावधान 202 में एक कर सकता है, दो गवाह ले आए, तीन चार पाँच, मिनिमम 1-2 होता है, वो कोर्ट की सेटिस्फैक्शन पे होता है कि अगर 200 के बयान के आधार पे भी अगर सम फिट्स, ये तो अलग ऑप्शन, मैं आपको इसके बारे में कभी और विस्तार से बताऊंगा, अगर कोर्ट डीम फिट समझती है 200 के बयान के बाद भी तो वो 204 का प्रोसीजर शुरू कर सकती है, समन इशू कर सकती है, ये अलग बात है। लेकिन अगर 202 के बयान और 200 के बयान दोनों होने के बाद भी मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ था तो 203 में डिसमिसल का ऑर्डर दे देगी। लेकिन अगर सचमुच अपराध हुआ है और ये बयानों के गवाह और वादी के बयान से संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, तब क्या करेगा? तब ये होगा कि एक्यूज्ड के अपेरेंस के लिए उसको बुलाया जाएगा और एक्यूज्ड अपेयर होगा। बेल के लिए प्रोविजन है वहाँ पर, जैसे ही कोर्ट से तलब किया जाएगा उसको, वो बेल के लिए अप्लाई करेगा, जमानत लेगा उन धाराओं में, उन शिकायत के आधार पर। अब EBC जो है 224 ये कहती है कि दोनों पक्ष के पास इतना वक्त होता है कि अगर ये दोनों बैठकर समझौता करना चाहें, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें, सेटलमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर नई बात बनती है तो कोर्ट जो है एविडेंस का प्रोसीजर शुरू कर देती है, एविडेंस होगा, जब एविडेंस हो जाएगा तो चार्ज बनेगा, चार्ज यानी आरोप तय होंगे, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और कौन कौन सी धाराओं में ट्रायल होगा। तब क्या होगा? उन चार्जेस पे, उन धाराओं पर बहस होगी, सुना जाएगा और दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा एविडेंस के लिए, वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष यानी आरोपी। उसके बाद आर्ग्यूमेंट होगी, उन दोनों पक्ष अपने अपने गवाह, अपने अपने सबूतों के आधार पर न्यायालय में बहस करेगी। उसके बाद सेक्शन 248(1) क्लॉज 2 में जजमेंट देगी। ये दो चीज़ें जो हैं CRPC के सेम प्रोविजंस हैं, इन्हीं में सारे मुकदमे लड़ जाएंगे। लेकिन एक मसला ये आता है जब डिस्चार्ज एप्लीकेशंस लगती है, यानी क्लोजर रिपोर्ट अगर पुलिस लगा देती है FIR दर्ज होने के बाद, कहती है कि कोई भी अपराध कारित नहीं हुआ है, पुलिस जांच में ये तथ्य सामने आया है, तब हमारे वादी पक्ष के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक प्रोटेस्ट फाइल करें। नोटिस जाएगा वादी पक्ष को डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगने के बाद, जैसे नोटिस जाएगा वादी के पास एक ऑप्शन होता है प्रोटेस्ट पिटीशन का। कोर्ट इस प्रोटेस्ट पिटीशन को सुनेगी, अगर उसे ऐसा लगेगा कि FIR जो है क्लोजर रिपोर्ट है वो
मैनिपुलेटेड है, तोड़ मड़ोड़ के बनाया गया है, फैब्रिकेटेड है, गलत है, तो कोर्ट के पास ये चार ऑप्शंस होते हैं जो मैंने ये नहीं लिखे हैं। पहला तो ये होता है कि या तो वो एफआईआर को एक्सेप्ट कर ले, यानी पुलिस के द्वारा दी हुई जांच को मान ले, या फिर वो ट्रायल के लिए सम्मन इशू करे। तीसरा, या फिर पार्टीज़ को, तीसरा ऑप्शंस ये होगा, या फिर री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, दोबारा जांच कराई जाए, इस जांच से वो संतुष्ट नहीं होती है कोर्ट। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक प्राइवेट कंप्लेंट में दर्ज कर ले और सारे बयान और गवाहों को खुद ही जांचे और जांच कर इसी तरीके से उस पर कार्रवाई करे। और इन प्रोसीजरों से गुजरते हुए जजमेंट दे। तो ये था हमारा शॉर्टकट टू सीआरपीसी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।